हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड डॉट अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी की 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 6, जो कि है डेमोक्रेटिक राइट्स। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर होता है कि इसमें जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा अराउंड राइट्स, कि किसी भी डेमोक्रेसी में कौन से राइट्स हैं जो सिटीजन को प्रोवाइड की जाते हैं। पर राइट्स जानने से पहले हम ये ज़रूर देखेंगे कि अगर सपोज सिटीजन के पास राइट्स ना हो तो उस केस में सिटीजन्स को क्या क्या इश्यूज अराइज हो जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन से राइट्स अवेलेबल हैं टू एवरी सिटीजन। अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हम इन फ्यूचर जो भी वीडियोस डालें वो आपको अपडेट हो सके। तो चलिए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले राइट्स की क्या अहमियत है किसी भी पर्सन की लाइफ में, क्या हो अगर लाइफ में राइट्स हो ही ना। इसमें इस चीज को समझने के लिए तीन एग्जांपल्स लिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें क्या है कि एक प्लेस है क्यूबा के पास, वहां पे क्या है यूएस फोर्सेस की एस्टेब्लिशमेंट है। वो लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें किसी पे भी शक होता है कि कोई भी पर्सन है जो उनकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, या फिर उनको किसी के ऊपर भी शक भी है, वो शक के बिहाफ पे ही उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे उन्हें प्रिजन में डाल देते हैं। इवन जो प्रिजनर है उसे उसके खिलाफ कोई भी ट्रायल नहीं चलता है ढंग से, मतलब उसके पास कोई भी पावर नहीं रहती है, जैसे कि मजिस्ट्रेट के पास उसे पेश नहीं किया जाता, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो कोर्ट के पास जाके कोर्ट को अप्रोच कर सके, उसे कोई लॉयर नहीं मिलता। जो कि हमने जब क्लास 8 की वीडियो डिस्कस की थी चैप्टर फर्स्ट, तो हमने उसमें देखा था कि किस हिसाब से जो फेयर ट्रायल होता है उसमें जो एक्यूज होता है उसको कितनी सारी बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको लॉयर मिलता है, वो अपील कर सकता है कोर्ट में, एक जज होता है जो फेयर ट्रायल के हिसाब से जो प्रोसीजर है देखता है वो फॉलो हुआ है या नहीं, हर चीज ध्यान में रख के फिर उसके बाद जजमेंट दिया जाता है। मगर इस केस में क्या है, जो पर्सन है जिसे अरेस्ट किया गया है, जो प्रिजनर है, उसको कोई भी लीगल राइट नहीं मिलता, उसकी कोई भी इवन लीगल राइट छोड़िए उसे ह्यूमन राइट्स ही नहीं मिलते, और उन्हें बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है, जो कि इवन यूएस के जो लॉज हैं उसके ही अगेंस्ट में है। और ये बात जैसे यूएन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब वहां पे आई, तो तब भी यूएन सिक्योरिटी जनरल ने कहा भी कि ये जो प्रिजन है इसे शट डाउन कर देना चाहिए। पर हमने अपनी जो लास्ट वीडियोस थी उनमें भी डिस्कस किया है कि जो ऑल्दो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ग्लोबल लेवल पे है, ये देखने में डेमोक्रेटिक है, पर इनकी वर्किंग कितनी डेमोक्रेटिक है ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है। तो वही यहाँ है, यूएन सिक्योरिटी जनरल ने उन्हें कहा कि इसे शट डाउन कीजिए, मगर यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। तो इस पूरे सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि जो प्रिजनर है उसकी कितनी बुरी हालत हो रही है, क्यों, सिर्फ इसलिए कि उसके पास वो राइट्स नहीं है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सके। अब सेकेंड एग्जांपल लिया जा रहा है सऊदी अरेबिया का, जहाँ की क्या है, अब देखिए हम लोग तो डेमोक्रेसी में हैं तो क्या रहता है, हमें ऐसा लगता है कि इलेक्शंस के थ्रू ही रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, मगर सऊदी अरेबिया के केस में ऐसा नहीं है। वहां पे जो लोग हैं वो नहीं चुनते कि उनका रूलर कौन सा होगा, इवन जो किंग है वही इलेक्ट करता है कि लेजिस्लेटिव का पार्ट कौन होगा, एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन होगा, इवन जजेस कौन होंगे, ये भी सब जो किंग है उसके अंडर आ जाता है। तो इसी वजह से क्या है, इवन सऊदी अरेबिया एक रिलीजियस कंट्री है, मतलब रिलीजियस इन द सेंस उस कंट्री का खुद का एक रिलीजन है, इसी वजह से वहां पे क्या है, नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब जो अदर रिलीजन्स है उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती जितनी उस कंट्री के रिलीजन को मिलती है। और इवन अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन की कंडीशन और भी मिजरेबल है, वहां पे वुमेन को लेके बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हम सबको पता है कि कुछ वुमेन को लेके रिस्ट्रिक्शंस हमारे रिलीजन में से भी आती है। तो ऐसा सेट कि जो सऊदी अरेबिया है उसका अपना ही रिलीजन है, मतलब कंट्री का ही रिलीजन है, कंट्री सेकुलर नहीं है, तो जो रिलीजियस जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वुमेन पे अप्लाई होती है, वो जो गवर्नमेंट है वो अप्लाई करती है। तो इस वजह से वुमेन की जो कंडीशन है वो और भी मिजरेबल हो जाती है, वुमेन्स को बहुत कम राइट्स मिलते हैं।
तो आप ये देखिए सऊदी अरेबिया के केस में भी जो सिटीजन्स हैं उनको कोई भी राइट नहीं है सच मिल रहा है, ना ही वो इलेक्ट कर पा रहे हैं अपने रूलर को, ना ही वो देखिए अगर वो इलेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो नेचुरली अकाउंटेबल भी नहीं रख पाएंगे। और दूसरे हैंड पे अगर हम वुमेन की बात करें तो उनकी भी उनकी कंडीशन और भी बुरी रहती है। अब जो थर्ड एग्जांपल लिया गया है वो लिया गया है युगोस्लाविया का। युगोस्लाविया में कोसोवो जगह है, वहां पे क्या रहता है एक ही दो कम्युनिटीज हैं, एक तो सर्ब्स है और एक अल्बेनियन है। जो सर्ब्स है वो ऑल दो माइनॉरिटी है और अल्बेनियन जो है वो मेजॉरिटी है। बट क्या रहता है वहां पे जब इलेक्शन होती है तो जो सर्ब लीडर होता है वो जीत जाता है। और वो क्या करता है वो अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए जो ये मेजॉरिटी है वो उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा लेता है। फॉर एग्जांपल एक ही जो अल्बेनियन है उन्हें सर्ब्स की जो अथॉरिटी है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इवन अगर जो नहीं एक्सेप्ट करता तो उसके खिलाफ वायलेंस भी होती है। और जो लोग हैं अल्बेनियन वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पा रहे। उसका कारण क्या है कि वो जो अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट ही किसी एक चीज के फेवर में आ जाता है, फॉर एग्जांपल इस केस में जब हेड ऑफ गवर्नमेंट ही फेवर में है कि कोई बात नहीं अगर तुम हमारी अथॉरिटी नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा, तो उस केस में ये कहां जाए, कहीं भी नहीं। तो ये दिखाता है कि इनके पास राइट्स का अभाव है जिसके कारण इनकी कंडीशन इतनी मिजरेबल हो गई है। तो ये सारे एग्जांपल्स दिखाता है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी पर्सन की लाइफ में राइट्स की। अगर इस केस में जिसमें वो प्रिजनर है अगर उसके पास राइट होता कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता, तो उसके खिलाफ अगर फेयर ट्रायल हो रहा होता तो हो सकता है कि वो बच जाता, ठीक है। और इस केस में भी सऊदी अरेबिया के केस में भी अगर सपोज लोगों के पास राइट होता कि वो अपना जो रूलर है खुद इलेक्ट कर सके, तो वो अगर इन फ्यूचर कोई गड़बड़ होती अगर कोई भी पॉलिसी गलत आती तो वो रूलर को अकाउंटेबल रख सकते थे, जो कि इस केस में नहीं रख सकते। और जो थर्ड केस था उसमें भी अगर सपोज जो अल्बेनियन है और उनके पास राइट होता और चेक एंड बैलेंसेस का जो मेन फ्रेमवर्क है वो अप्लाईबल होता यहाँ पे, तो उस केस में इतना ज्यादा मैसेकेयर नहीं होता। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस जानने के बाद चलिए हम देखते हैं राइट्स होते क्या हैं। राइट्स आर क्लेम ऑफ पर्सन ओवर अदर। अब क्लेम्स कैसे हैं? क्लेम है तो दैट मींस वो अगर उनकी जो भी राइट है अगर वो फुलफिल नहीं होता तो वो उसके खिलाफ कहीं जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आती है जो राइट्स है वो किसके अगेंस्ट क्लेम होता है? फेलो बींग, सोसाइटी और गवर्नमेंट। दैट मींस अब गवर्नमेंट की अगर हम एग्जांपल लें तो अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक तरह से क्या है? क्लेम है अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। इवन फंडामेंटल राइट के बिना कोई और भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, तो गवर्नमेंट बाउंड है कि उसे वो राइट्स हमें देने ही पड़ेंगे। और अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटल वैल्यूज की भी अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास राइट टू रिलीजन है, तो जो सोसाइटी है उसे उसको अबाइड करना पड़ेगा। अगर सोसाइटी हमारे उस राइट के अगेंस्ट में जाती है तो हमारे पास अथॉरिटी है कि हम कोर्ट में जाके सोसाइटी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। फेलो बींग, अगर जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है तो अगर कोई रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है, रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहा है, कोई भी जॉब देने के टाइम पे वैकेंसी फिल करने के टाइम पे, तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं राइट्स जो हैं वो एक तरह से लीगल क्लेम है। क्लेम क्यों है? क्योंकि हम उसे क्लेम कर सकते हैं। अगर वो हमें नहीं मिलते तो हम कहीं अप्रोच कर सकते हैं ताकि हमें वो राइट्स मिल सके। मगर हर चीज जो राइट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आती है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी राइट है तो हमें उस राइट को संभालते हुए उसे इस हिसाब से अप्लाई करना होता है कि वे दूसरे के राइट के को इन्फ्रिंज ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें जो हर इंडिविजुअल सिटीजन के पास है, इंडियन सिटीजन के पास, तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की ही बात कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। उसके साथ भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाए कि हम अपने राइट की का यूज करते समय दूसरे के राइट की भी इज्जत करें। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, वी एक्सपेक्ट अदर्स इन सच वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस। इक्वली आर एक्शन शुड नॉट ऑलवेज हार्म और हर्ट अदर। सो राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक
claim that is equally possible for others. This right comes with obligation to respect others' right. When socially recognized claims are written into law, they acquire real force. अब हमने बात करी कि जो राइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आते हैं. अब सपोज कीजिए अगर ये जो राइट्स हैं अगर इनके पास लीगल सैंक्टिटी नहीं होगी तो हो सकता है कोई इस राइट को माने, हो सकता है कोई इस राइट को नहीं माने. तो इसी वजह से क्या किया जाता है कि अगर कोई भी राइट हो जो हमारी गवर्नमेंट को लगे कि उसकी सोशल इम्पॉर्टेंस है या वो राइट कंस्ट्रक्टिव है, होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देते हैं. दैट मीन्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट करके उसे इंक्लूड कर दिया जाता है. और अगर सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखना चाहते, लीगल राइट ही रखना है, तो उस केस में क्या किया जाता है कि कोई लॉ बना के उस राइट को दे दिया जाता है. जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है या कोई भी और भी राइट है, राइट टू वोट. तो ये सारे जो राइट्स हैं ये लीगल राइट्स के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से काम करते हैं. दस वी कैन कंक्लूड दैट राइट्स आर रिस्पॉन्सिबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ. राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम ऑप्रेशन ऑफ मेजॉरिटी. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें बहुत सारे राइट्स हैं जिसमें सबसे मेन जो रहते हैं वो ये फंडामेंटल राइट रहते हैं जो कि इन वैल्यू 6 हैं. फर्स्ट राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी. इसके हिसाब से क्या है, गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है कि अगर सपोज एक पीएम है और उसके साथ ही सपोज कोई सिटीजन है, नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन है कोई भी, ठीक है, और अगर इस पीएम ने, अगर पीएम के अगेंस्ट कोई भी केस चल रहा है तो वो उसी कोर्ट में चलेगा जिस कोर्ट में किसी भी ऑर्डिनरी सिटीजन का केस चलेगा. मतलब अगर कोर्ट एस्टेब्लिश होगा वो, देखिए स्पेशल केसेस के लिए अलग से कोर्ट एस्टेब्लिश हो वो नॉर्मल है, पर किसी स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश नहीं होगा. दैट मीन्स लॉ के सामने सब इक्वल है. और दूसरा क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. मतलब जो फेयर ट्रायल का जो मेथड चलेगा वो चाहे कोई ऑर्डिनरी सिटीजन हो या कोई बहुत बड़ी डिग्नेटरी हो तो सबके लिए सेम चलेगा. उसमें ऐसा नहीं है कि सपोज कोई ऑर्डिनरी सिटीजन है तो उसके लिए सजा बहुत भारी हो जाएगी या उसके लिए प्रोसीजर अलग रहेगा और जो पीएम है उसके लिए अलग रहेगा. हर किसी के लिए सेम रहेगा. गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि राइट टू इक्वालिटी है, दैट मींस हर किसी को इक्वल देखा जाएगा. तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आप कौन से रिलीजन से बेस्ड बिलोंग करते हो, रेस कौन सी है, कास्ट, इन सब चीजों के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. पर इस ये तो हो गई एक तरह से गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना, पर इसके साथ साथ राइट टू इक्वालिटी में एक एनेबलिंग प्रोविजन भी है जिसके हिसाब से क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो अगर वो चाहे तो वीकर सेक्शंस या जो भी ऑप्रेस्ड क्लास है उसके लिए क्या कर सकती है, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, स्पेशल अरेंजमेंट्स बना सकती है ताकि उनको इक्वालिटी पे लाया जा सके विद रिस्पेक्ट टू अदर कम्युनिटीज. इसी वजह से क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, रिजर्वेशन पॉलिसी. इक्वालिटी मींस एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव व्हाटएवर वन इज कैपेबल ऑफ. इसी वजह से इस चीज को टैकल करने के लिए ही रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी. द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू सोशल लाइफ एज वेल. मतलब ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रिंसिपल है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में नहीं, सोशल लाइफ में भी है. इसी चीज इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. अब राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी एक सोशल प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए क्या किया गया था, एक स्पेशल राइट रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि इक्वालिटी एस्टेब्लिश की जा सके सोशल लाइफ में भी. सेकंड आता है राइट टू फ्रीडम. अब फ्रीडम का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट. मगर फ्रीडम भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी ना कि जो राइट्स है वो इस हिसाब से क्लेम किए जाने चाहिए कि वो दूसरे के राइट में इन्फ्रिंज ना करे. अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली इन पीसफुल मैनर, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, resides in any part of country, practice any profession. But देखिए ये सारी freedoms absolute नहीं है, हर किसी के साथ particular restrictions हैं जिसके हिसाब से ये सारी freedom काम करती है. वो क्या है,
इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे जिसमें हम पूरा अच्छे से राइट टू फ्रीडम को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या कॉन्स्ट्रेन है और किस हिसाब से वो सारे वर्क करते हैं और क्यों है। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट्स। गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फ्रीडम इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। वन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट इट कैन नॉट बी यूज टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर। अभी हमने बात करी ना कि फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, उसके साथ कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या कुछ लिमिटेशंस हैं। उसका कारण क्या है? ताकि इन लार्ज सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके और सबको साथ में सिक्योरली रख के चला जा सके। थर्ड क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन मेनली जो 3 स्पेसिफिक इवल्स है उसको स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट क्या है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, एक ही जो भी ट्रैफिकिंग होती है। प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर और बेगार, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब देखिए इन तीनों को एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, टाइम बाय टाइम लॉज बनाते हैं और उनमें इवन अमेंडमेंट भी किए जाते हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम्स प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में उन्हें टैकल किया जा सके। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन बट देयर एग्जिस्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, लाइक वन कैनॉट सेक्रीफाइस एनिमल ऑन ह्यूमन बींग। अब देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, पर इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लीजिए। अब सपोज कीजिए, नॉर्मली ऐसा भी देखा जाता है, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है ह्यूमन सेक्रीफाइस या एनिमल सेक्रीफाइस का, लेकिन कभी कभी बलि भी दी जाती है जो कि एक सिविलाइज सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि देखिए जो एनिमल्स हैं उनके भी राइट्स हैं और ह्यूमन बींग का तो राइट है ही है, तो उस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि ऑल दो आप अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, इवन प्रोपेगेट भी कर सकते हो, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी और पर्सन के या और एनिमल्स के जो राइट्स है उन्हें ख़त्म करो। ये तो इसमें एग्जांपल है। इसमें आप एक और चीज़ भी रिलेट कर सकते हो, जैसे अगर कहीं भी इंटरकास्ट मैरिजेस होती है तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, जैसे खाप पंचायत वगैरह है, तो ये क्या है? एक तरह से अगर हम देखें तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि ये हर किसी का पर्सनल अफेयर है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। मगर जो खाप पंचायत टाइप्स हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि ये जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनको सामने लाते हैं और उन रिलीजियस वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करने के लिए इवन जो पर्सन्स के बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसके अगेंस्ट जाके उसका इवन कभी कभी तो उसको बहुत बुरी सजाएं भी दे देते हैं। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव राइट टू कंजर्व इट। ऑल माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अब देखिए कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स भी इम्पॉर्टेंट है ताकि किसी का भी अगर कुछ स्पेशल कल्चर है तो उसे प्रिजर्व किया जा सके। ऐसा नहीं है कि सपोज कीजिए कोई एक कम्युनिटी है उसका एक बहुत स्पेशल कल्चर है, जो वो कल्चरल वैल्यूज है वो दूसरों से अलग है, तो हम लोग क्या करें, हम सोचें कि हाँ हम लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड है, आप नहीं हो, तो आप अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को छोड़ दीजिए और हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को अडेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा, जिसे हम लोग बोलते हैं, ज़्यादा फैशन में है। तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर किसी के पास राइट है। देखिए ये हमारा इवन फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी कल्चर और एजुकेशनल जो भी हमारी चीज़ें हैं हम उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ में ये भी देख सकते हैं, जैसे ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केसेस में क्या है, उनकी जो भी अपनी कल्चरल वैल्यूज है उन्हें प्रिजर्व करने का उनके पास अधिकार है अंडर फंडामेंटल राइट, दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सिक्स्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, जिसके बिना ये सारे फंडामेंटल राइट शायद टूथलेस हो जाते, वो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब जो अभी तक हमने राइट्स पढ़े, ठीक है, अगर कोई भी सिटीजन या इवन गवर्नमेंट उसमें इन्फ्रिंज करती है, मतलब हमारे राइट्स अच्छे से इम्प्लीमेंटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में सिटीजन के पास राइट है कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसकी जो भी केस है उसे सुनते हैं। इवन इस केस में हमें ऐसा भी नहीं है कि पूरी हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है, दैट मीन्स पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, अगर नहीं सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तो ऐसा नहीं होता, हम सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यह अपने आप में बहुत कंस्ट्रक्टिव राइट है, जिसके बिना शायद बाकी सारे राइट्स इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली काम ना कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मैनी मोर राइट्स। अभी तक तो हमने ये 6 फंडामेंटल राइट देखे, बट ऐसा नहीं है कि ये 6 फंडामेंटल राइट्स ही हमारे पास है, हमारे पास बहुत सारे लीगल राइट्स हैं और बहुत सारे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं।
अब देखिए, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में अंतर होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो राइट्स हो गए जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है। जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, और भी जो राइट्स हैं, देखिए जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें हम स्पेशल स्टेटस मान सकते हैं कि उनके पास एक स्पेशल स्टेटस है। मगर ऐसा नहीं है कि ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, बहुत सारे और भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, लीगल राइट्स होते हैं जो किसी लॉ के हिसाब से हमारे पास राइट है, तो वो सारे आ गए लीगल लॉज में। इफ एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव टेक्स अवे और लिमिट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, इट विल बी इनवैलिड, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इवन सुप्रीम कोर्ट के केस में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जैसे सपोज कीजिए कोई भी लेजिस्लेचर बनाया पार्लियामेंट ने, और वो इस हिसाब से बनाया गया है कि वो जो बेसिक वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अगेंस्ट जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस प्रोविजन को या उस लॉ को नलीफाई कर देता है, मतलब वो इनवैलिड करार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रिटेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उन्हें एनफोर्सेबल रखे और जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसे खराब ना होने दे। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स और रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। वेल, फंडामेंटल राइट्स आर सोर्सेज ऑफ ऑल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफर्स वाइडर रेंज ऑफ राइट्स। जैसे हमने बात करी कि ऐसा नहीं है, ठीक है फंडामेंटल राइट्स तो बहुत वाइड कंसेप्ट है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास और भी बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे और लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे राइट्स हैं जो कि इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टाइम बाय टाइम इसको इंक्रीज और एक्सपेंड करता जाता है। जैसे राइट टू लाइफ के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हमारे पास राइट टू हैव फ्री और प्योर एयर है, हेल्दी लाइफ है, तो ये सारी चीजें क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो ये दायरा है फंडामेंटल राइट्स का उसे एक्सपेंड करता जा रहा है ताकि जो सिटीजन्स हैं वो हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकें। तो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। हम एक बार लास्ट में देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने 3 सिनेरियो देखे जिनमें कि पर्सन की जो राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा था और उनके अभाव में जो पर्सन है उसकी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कि जो राइट्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर 6 फंडामेंटल राइट्स देखे, और फिर हमने देखा कि ऐसा नहीं कि वो 6 फंडामेंटल राइट्स ही किसी पर्सन के पास है, उसके पास लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और भी हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो जो सिटीजन के राइट्स हैं उसका जो स्कोप है उसे वाइड ही करता जा रहा है। तो इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।